उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट पर नामांकन की सीमा 16 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के साथ खत्म हुई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत कटियार ने भाजपा कार्यकर्ताओं और उन्नाव के सांसद की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन का आखिरी दिन वैश्विक बीमारी कोरोना नियमों के आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाकर पूरा किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का तो इस दौरान नामो निशान ही नजर नहीं आया। कई बार आने जाने को लेकर भी भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच गहमा गहमी हुई। कई विधायक व नेता जब नामांकन कक्ष में मौजूद नहीं हो पाए तो जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर ही चौपाल सजा कर बैठ गए। इसी बीच पुलिस द्वारा सुरक्षा कारणों की वजह से लगाए गए बैरिकेडिंग को पार करने को लेकर भी महिला जिला उपाध्यक्ष किरण सिंह की पुलिस से बहस हो गई। इन छिटपुट घटनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत कटियार ने बांगरमऊ सीट को हथियाने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सेंगर, जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत, भाजपा के दूसरे तमाम विधायक और महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष किरण सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बताएं कि उन्नाव की ये सीट बीजेपी को इतनी आसानी से मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार जन को दरकिनार कर भाजपा का ये चौंकाने वाले प्रत्याशी का नाम घोषित करना पार्टी के ही लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। करके उन्नाव जनपद की बांगरमऊ विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पे एक एक करके सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। आज यानी कि नामांकन डेट के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत कटियार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, लेकिन जहां एक तरफ सरकार कोरोना लेकर के देश को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, वहीं आज सत्ता के दबाव में, सत्ता की हनक आज नामांकन पत्र में देखने को मिली है। लोग सामाजिक दूरी धज्जियां उड़ाते रहे हैं, और जो प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस थे कि नामांकन पत्र कार्यालय के अंदर 3 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े नेता हुए, जैसे कि मंत्री भी थे, सांसद साक्षी महाराज भी थे, कई विधायक थे, उन्होंने अंदर जाने के लिए का प्रशासन से होड़ झोड़ भी करते नजर आए, क्योंकि प्रशासन भी क्या करता है तो क्या करता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता थे, उनसे लोग जो होती है वहाँ महिला एक कार्यकर्ता है उनसे भी लोग जो की, क्योंकि उन्होंने प्रशासन ने अंदर से मना किया। एक दो नहीं, यहाँ पे दर्जनों की तादाद में लोग कंपाउंड कार्यालय के अंदर गए, वहाँ मौजूद रहे, तो फर्स्ट गेट एंट्री वहाँ करता हूँ, लोग जो भी वहाँ से 1+5 की ही एंट्री थी और सेकंड गेट पर 1+2 की एंट्री थी, इसके लेकर के काफ़ी लोग आए, लेकिन सत्ता का हनक का जलवा देखने को मिला है। लेकिन एक साफ साफ संदेश देखने को मिल रहा है कि बीते एक महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बांगरमऊ विधानसभा दौड़ा किया, इसके पहले डिप्टी सीएम जितेंद्र जी ने शर्मा ने किया था और उस दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्योंकि बांगरमऊ विधानसभा की सीट बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने का बराबर बनी हुई, क्योंकि यहाँ पर उसके पहले कुलदीप सेंगर का दबदबा हुआ करता था, इसके पहले बीजेपी ने कभी भी यहाँ चुनाव की सीट नहीं जीती है, इसलिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के प्रयास में है कि वो बांगरमऊ विधानसभा सीट को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती है। अब से क्योंकि आज 16 अक्टूबर है, आज से ही नामांकन प्रक्रिया का हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, आज से बांगरमऊ विधानसभा के सारे नेता अपना जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन जनता के किस सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाए, जनता को किस प्रकार लोभित करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे वोट देने, क्योंकि सरकार ने जो निधि की कटौती कर दी है तो विधायक विकास के बारे में कर नहीं सकते, क्या गिनाएंगे, विपक्ष के पास तो मुद्दे हैं, अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, बहाल किसान, ये सब चीज़ें उनकी समस्याएं हैं, तो सरकार घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन बीजेपी किन मुद्दों के पास चुनाव लड़े, क्या राम मंदिर, अयोध्या, इन चीज़ों लेकर चले कि मैंने मंदिर निर्माण कराया, लेकिन आने वाला समय तय कर 3 नवंबर को ही साफ हो सकेगा कि वाकई में क्या पुनः वहाँ पर बीजेपी को सीटें मिलती या फिर विपक्षी पार्टी वहाँ से जनता को लाभान्वित करके या उनको प्रभावित करके उस सीट पे अपना कब्जा दिखा दे, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज खड़ा हो, जो कुलदीप सेंगर के परिवार टिकट न देना वहाँ की जनता में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं को लुभाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय देखने को मिल सकती है। HPS इंडिया के लिए भानु चंद्र, उन्नाव।